वेलकम बैक नाजरीन, मेहमान ग्रामी बड़ी मिच्योर डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं और यकीनन मैं समझता हूं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के हवाले से रियासत पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना या रियासत पाकिस्तान की तर्जमानी करना हम सब का हक है। लेकिन जो हुकूमतें आती जाती हैं वो रियासत के इनहतात का बायस जरूर बनती हैं, रुकावट का जरूर बायस बनती हैं, स्पीड ब्रेकर का बायस जरूर बनती हैं और कुछ हुकूमतें तामीर और तरक्की का बायस बनती हैं। हमें यह जरूर डिस्कस करना है हमेशा कि जी जो जो हुकूमत इस जुर्म में शरीक है कि पाकिस्तान को पीछे लेके गई है उसको भी जरूर हमने डिस्कशन अंडर डिस्कशन लेके आना है और जो हुकूमतें पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके गई हैं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में या तरक्की पजीर बनाने में उनका किरदार है उनको भी हमें नहीं भूलना और उस पॉलिटिकल वर्कर को भी कभी नहीं भूलना जो हुकूमतों में लाने का सबब बनते हैं जबकि लोगों के नजरियात कुछ और हैं, सोचते हैं कि जी वो वर्कर के जरिए नहीं आते, वो जिनके जरिए आते हैं उनकी वो जॉब भी करते हैं, नौकरी भी करती हैं, उनके कहने पे गुड गवर्नेंस करते हैं। जी भाई आलम खान साहब, ये वर्कर की बात आ गई है, चलते चलते मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं और मैंने अपने दोस्तों को विक्टिम देखा कि जब स्ट्रगल कर रही थी नून लीग तो फ्रंट पे लड़ने वाले कुछ और थे, जब हुकूमत में आई तो उस वक्त हुकूमत में कुछ और चेहरे सामने आ गए और वो उन चेहरों को पीछे कर दिया गया। इवन जब पीछे किया गया उनका एहतजाज कबूल ना करके उनको पार्टी से भी फारग कर दिया गया। ये नून लीग की बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ के हवाले से आप देख लें वही रवैया है। ये पॉलिटिकल जमातें क्या कर रही हैं, अपने असासों को खुद तबाह क्यों कर रही हैं? अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो वाकई यकीनन ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो अपने असासे को तबाह कर रही हैं। मैं ये समझता हूं कि जो लोग पार्टी के साथ चले, जो उसको प्रमोट करें, जो उसकी कामयाबी में हिस्सा बने, जब हुकूमत आए तो उस वक्त भी उन्हें उसका हिस्सा रहना चाहिए किसी ना किसी सूरत में। अगर ऐसा ना हो तो वाकई ये सियासी खला भी है और इन्हतात भी है, तो ये ज़रूरी है जमातों के लिए कि उनको वो साथ। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमाय हो जाते हैं जिनकी वजह से जमातें जो हैं वो उनको साथ लेकर नहीं चल पाती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो बज़ाहर नज़र भी आती हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो उसमें हर जमात अच्छा होता। वहीद आलम खान साहब, जरा मैं वजाहत कर दूँ होता क्या है। जैसे आजकल करता धरता आजम खान साहब बने हुए हैं और हो सकता है बाज़ चीज़ों का इमरान खान को इल्म ना हो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब तो पॉलिटिकल वर्कर के साथ प्यार करने वाली शख्सियत हैं लेकिन परवेज रशीद जैसे लोग जो हैं वो उनके बड़े करीबी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो उन्होंने उनकी हुकूमत के अंदर जो किया, मैं उसमें पीटीवी के बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ उन लोगों के जिन्होंने उनके मीडिया सेल को आगे रन किया, उनके साथ उन्होंने क्या हशर किया, और ऐसे लोग जो कि पिछली जमातों में उनके मुखालिफ रहे उनको लाके बिठाया गया और किस तरह से उनको प्रमोट किया गया, ये इन चीजों का मैं चश्मदीद गवाह हूं और कभी मौका मिला तो जरूर बताऊंगा मैं सबको। ये बता दीजिएगा आजम खान कौन से हैं? आजम खान जो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। बात आपकी देखें, आपने परवेज शी साहब के नाम लेकर बात, मैं नाम लेकर इसलिए किया मेरी बात कि वो मौजूद है, माशाल्लाह सेनेटर हैं और मेरी उनसे उस दिन मुलाकात भी हुई और मैं गिला करता हूँ हमेशा उनके मुंह पे गिला करता हूँ। हो सकता है लेकिन मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता। मसलन मैं मुस्लिम लीग का एक वर्कर हूँ, मुझे प्रमोट करने में परवेज रशीद साहब का बहुत हाथ है। उन्होंने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ को बताया कि इसकी क्या स्ट्रगल है, ये कब से क्या कर रहा है और ये वो आदमी है जिसे प्रमोट किया जाना चाहिए और मुझे प्रमोट किया गया। ये मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बात बता रहा हूँ जाती हैसियत में, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि वो इस तरह के आदमी नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ जगह पर ऐसा हो जाता है, हर जगह पर आखिर इंसान है, इंसान से कोई कहते हैं ना, बड़ी मजे की बात है, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं नाजरीन आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि पार्टीज में भी ग्रुप है। अब एक शख्स की बदकिस्मती हो, उसको ना पता हो, नया बंदा हो या एंटर होए और वो पार्टी के लिए वर्क कर रहा हो और बैठना शुरू कर दे वो परवेज रशीद का जो एनटीआई ग्रुप समझता है परवेज रशीद जिसको, वो कर्नल साहब का ग्रुप, मैं ओपन बात कर देता हूं। चले मैं ये करूंगा इसके ऊपर इंशाल्लाह, मुझे पता है कि मैं कब ये बात लेके आनी थी, आज चूंकि शरीफ आदमी मेरे पास बैठे हुए हैं वहीद आलम खान साहब, किसी और वक्त इसको आगे बढ़ाएंगे। उस पादाश में बेचारे, मैं वर्कर्स को उनको जानता हूं, मैं मियां खालिद जमील को जानता हूं,
जो बेचारा कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है उसके साथ परवेज रशीद साहब ने क्या अशर किया, और वही बंदा आज पोस्टें लगा रहा है नवाज शरीफ के हक में, वही बंदा स्ट्रगल कर रहा है आज भी वो मार खा रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वर्कर्स का अगर आप हक नहीं देते, और परवेज रशीद जैसे जो लोग हैं बैठे हुए नॉन इलेक्टेड पर्सनैलिटीज, और वो पार्टी की पता नहीं किन के कहने पर डोरे हिलाते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। नहीं, वो भी इलेक्टेड है, सेनेटर है, हमने उन्हें इलेक्ट देखे नहीं, वो बाद में आप अपने बंदों के जरिए जो सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड होते हैं, जो सेनेटर होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, ये कंफर्म बात है। नहीं, इलेक्टेड होते हैं, जब वोट कास्ट किया जाता है तो फिर इलेक्शन ही इलेक्टेड होते हैं, सिलेक्ट होता है जब आप। मुझे पता है आज के प्रोग्राम के बाद गिले बड़े मेरे ऊपर आने हैं, लेकिन मैंने कर दी बात। नहीं नहीं नहीं, बात देखिए, मैं मैंने पहले बात किया कि बहुत सी बातें होती हैं जो किसी देखना, मसलन आपके साथ हुई, आपके दिल को लग गई, आप उसका इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात बहुत से लोग हैं, बहुत सी जमातों में देखे ना, वो पीटीआई के वो जो हैं, जो फॉरेन फंडिंग का केस लेके गए हैं, वो ऐसा अकबर साहब क्या जो है, वो उन्होंने बात सही कर दी ना, वो बेचारे फंस गए। वो हो जाता है पार्टियों में ऐसा होता है, लेकिन इस तरह किसी पर आजादाना ब्लेम करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल चले ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं आगा बाकर की तरफ। आगा साहब, आजम खान की आपने बात की, हम थोड़ा सा उधर भी चले जाएं। मुझे, मैं चूंकि जाती तौर पे समझता हूं कि नजरियाती शख्स जो है वो तमाम तर्जियातियों के बावजूद पार्टी के साथ ही खड़ा होता है, ये भी मेरा भाई आलम खान साहब बड़ा स्ट्रांग नजरिया है, जो नहीं खड़ा होता वो फिर नजरियाती नहीं होता, वो मफाद परस्त होता है, नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं सियासत में। हमने देखा कि जब शाहजी के साथ वाकया होता है आजम खान वाला, फिरदौस आशिक कवान चूंकि इलेक्टेड नहीं थी तो शाह साहब इलेक्टेड शख्सियत हैं, तो मैं बेशक नजरियाती खिलाफ रखूं लेकिन आजम खान के मामले में हम शाह साहब के साथ खड़े हैं। फिर भी जब फिरदौस आशिक कवान को ज्यादती हुई, फिर भी शाह फिरदौस आशिक कवान साहब के साथ उन्होंने गलत किया। इमरान खान साहब एक जो है वजारत उज़्मा को या अपनी हुकूमत को एक ऑफिस की तरह चला रहे हैं, ऐसे ऑफिस की तरह जो किसी मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, जिस तरह क्या कहते हैं उसको कोई मिल में जैसे कह दिया जाए खुद मालिक जो है, या किसी इंडस्ट्री में खुद कह दिया जाए जैसे कोई इंडस्ट्रियल ऑफिस चला रहा हो कि यार इसको सुबह फारग करना है, इसका गेट बंद करना है, इस तरह का रवैया क्यों है? शाहजी के साथ जो हुआ है वो इसलिए तो नहीं हुआ कि उनके ऊपर शक हो गया कि वो लॉबिंग कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए? देखें जी, देर इज अ मैक्सिम कि व्हेन द थिंग्स आर सेट टू बी डन इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर दे शुड बी डन इन द सेम मैनर। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, जब आपकी प्रोविजन, जब आपका कानून, जब आपके रूल्स, जब आपकी रेगुलेशन आपको इस बात की पाबंद करती हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह से चीजों को चलाएंगे, तो आप पाबंद हैं कि उसी तरह से चलाएंगे। दुरुस्त है, ठीक। ये बात कहना, मैं जो आपने बात की है, बहरहाल लॉबीज जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, और बाज़ोकात वो उसकी खूबसूरती भी होती है, और विदन पार्टी अपोजिशन जो है वो अपोजिशन की या वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी हेल्थ में अहम किरदार भी अदा करती है। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिविटी अपनी जगह पे है लेकिन वो करती है। आप देखें कि सबसे पहले पॉलिटिकल वर्कर जो है, दो पॉलिटिकल वर्कर और तीसरे नंबर पे पार्टी जो है वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। सबसे पहले जो पॉलिटिकल वर्कर था वो एमकेएम का बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइज ग्रुप था, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी थी, और उनके अंदर बाकायदा एक नजरिया था, दो तीन चीजें जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे होनी चाहिए वो थी, वो थी। और एक वक्त में इतना सिस्टम, कोई मिनिस्टर जो है, वहीद आलम साहब और मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं ये उसको इंडोर्स करेंगे, कि जो भी यूनियन काउंसिल का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर होता था वो मिनिस्टर पे हावी होता था, मिनिस्टर पे हावी होता था। इसका मतलब ये है कि आपकी बेस जो डेमोक्रेसी की बेस है वो मजबूत थी। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली आप देखें कि आपकी जो जमात इस्लामी है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसका वर्कर बहुत आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद था। ये इसको थोड़ा सा कॉपी किया पीपल्स पार्टी ने, अवामी नारे पे किया, वजन गए वो आज तक तारीफ है, वो थी। लेकिन वहां से सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल वर्कर के हवाले से पीपल्स पार्टी को हुआ कि वो पंजाब से वो वैसे ही फारग हो गए। अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जिस तरह से चीजें लेके चलनी चाहिए थी वो लेके नहीं चले। ठीक। अब सबसे बड़ी बात, जब इस वक्त रूलिंग पार्टी की बात करते हैं, उसके पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, मुझे बताएं वजीउद्दीन अहमद कहाँ पे हैं? मुझे बताएं वो जो नूरानी साहब थे, वो तस्नीम नूरानी, वो कहाँ पे हैं? वो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा उसकी नर्सरी में शामिल थे, या हामिद खान साहब,
वो कहां पे है? सही है, इसका मतलब ये है कि जनरली तो एक तो बात तो ये थी कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर तो ये परसेप्शन दुरुस्त साबित हुआ कि वर्कर जो स्ट्रगल का वर्कर है वो हकूमत में उसको हिस्सा नहीं मिलता। अब देखें ना, नून लीग को अगर और पीपल्स पार्टी को अगर आज प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह यह है कि उसका नजरियाती कारकुन जो है वो डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, आपको किसी तरह से मशीनरी के तौर पे ऊपर या आप वहां से आपने वो पीपल्स पार्टी ने अगर रेलवे लेकिन हम थोड़ा सा इसको इधर देख लें कि हमने देखा कि वही वर्कर अब आ जाए लॉबी की बात। सर बड़ी मजेदार आप डिस्कशन की तरफ ले आए हैं मुझे, मैं इसीलिए पहले आपकी तरफ गया था। मुझे ये बताइए कि आप देखें कि हमजा शहबाज साहब के साथ या शहबाज शरीफ के साथ पब्लिक निकलने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ को उसकी बेटी को विक्टिम समझते हैं वो, और वो हिस्सेदार समझते हैं जो निसार अली खान, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को ये समझते हैं। मुझे नहीं पता कि है कि आपने बड़ी खूबसूरत अब डायरेक्शन उस तरफ चली गई है कि मरियम घर बैठ के आवाज देगी तो पब्लिक जॉक दर जॉक निकलेगी, ये कंफर्म बात है। ये आप ये देखें बड़ी खूबसूरत आपने बात की है जी। हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर जब कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जहां पे डिस्प्यूट होता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वो टॉप स्लॉट है। यस एब्सोल्युटली, ये नीचे नहीं है। मिनिस्ट्री से उन्हें कोई बात नहीं है, वही आलम खान साहब को मिनिस्ट्री दे रहे हैं, उनको सिलेक्ट कर लें, इलेक्ट कर लें, दैट्स नॉट इशू। बेसिकली इशू इज के हमारे पास आप जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की है, जहांगीर तरीन साहब की बात की है, भाई बाबा लोग आपको ये बात समझ आती है? आप ये देखें कि उधर मियां नवाज शरीफ जो है वो फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालिफाई होते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान के जो करीबी साथी थे वो भी डिस्क्वालिफाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक फोकल पर्सन जो है वहां पे सम हो, उस पार्टी के लिए कोई एक फोकल पर्सन चाहिए जो उससे ज्यादा काबिल ना हो। एब्सोल्युटली, दैट्स इट। ये कौन से okay. मुझे बताएं किस पॉलिटिकल पार्टी जो है। अच्छा, मुझे एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बताएं कि आपके इस सिस्टम में गवर्नेंस में मुझे बताएं किसी भी डिपार्टमेंट में बताएं आपको कैपेबल लोग कहां पे चाहिए। आप कैपेबल लोग जो है वो तो सारे के सारे कॉर्नर हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो खुशामदी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा, खुशामदियों से निकल के हम जरा उस तरफ आ जाते हैं। मुझे लग रहा है हम जिस तरह हम चाहते थे कि आज का प्रोग्राम जो है वो हम वाइंड अप की तरफ इस तरह लेके जाएं, उधर हम चले गए। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होता है जैसे आर्म ट्विस्टिंग की जाती है कि जी कहीं ये भी उसी तरह भड़क ना लगाएं जिस तरह मोहतरमा लगा रही है। एक बात जरा नौमान साहब जवाब दीजिए। दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी लगता है ऐसे ही दी जाएगी जैसे जहांगीर तरीन की दी गई और एक ग्राउंड बनाई जाएगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार का हम सोचते थे कि शायद चंद दिनों बाद आ जाए कि जी वो चूंकि एक्साइज का मसला था, अब एक वादा माफ गवाह भी सामने आ गया और दीगर मसाइल भी सामने आ गए। कुछ तनवीर ठेकेदार है उसको मुबैना तौर पर उसके ठेकों की भी तफसीलात सामने आ गई कि वो बड़ा करीबी है, इनके भाइयों के मामलात भी आ गए। तो क्या ऐसा समझते हैं कि ये बैलेंस करने के लिए उस्मान बुज़दार को फारग कर दिया जाएगा? देखिए आगा साहब, अभी जिस तरह आगा साहब ने बात की है नजरियाती वर्कर की, इसी तरह हर पार्टी में नजरियाती वर्कर मौजूद है और हर किसी का डिफरेंट रोल है। हमने ये देखना है कि मंशूर पे कौन काम कर रहा है, अपना पार्टी पार्टी मंशूर पे, पार्टी नजरिए पे कौन पे नजरिए पे काम कौन कर रहा है। जिस तरह आपने जरा वजीर आला साहब की बात की है, देखिए क्लैरिटी ये है कि काम हो रहा है, काम को मार्केट किस तरह करना है, यहां कमजोरी हो सकती है। अगर आप ये देखिए कि जिस तरह कोरोना के केसेस अब कल से बढ़ने स्टार्ट हो गए, मैं बसात एहतराम मैं वैसे बताऊं थोड़ा सा मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन, ऑब्वियसली काम हो रहा होगा। मुझे बताएं कि अगर आप 50% या 40% काम कर रहे हैं और उस पर रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान है, वो उसकी एक तो ट्रेल है और ग्राउंड पे तो नजर आए। नहीं नहीं सर, नहीं जी, ग्राउंड पे जो है देखिए काम का सिस्टम का जो जवाब देना है, हर किसी का डिफरेंट रोल है। अब अगर एक बंदा चीज खराब हुए हुए उसको सही कर रहा है, अच्छा चले यहाँ पे मैं सिर्फ एक इजाजत दीजिएगा, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, नजर आना चाहिए। मुझे बताएं इतने तर्जमा काम तो खुद बोलता है। आप सर देखिए अगर ओवर डूइंग, देखिये आप पहले क्या हो रहा था, पैसा आ रहा था वो एक जगह पे लग रहा था, फौज लाहौर में लग रहा था, अब वो पूरे पंजाब में लग रहा है। नहीं वो नजर नहीं आ रहा, आप देख नहीं पूरे पंजाब में लग रहा, पंजाब रहा है, पूरा पंजाब रो इसलिए रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब हर जो आपके तबके ऐसे थे रूरल एरियाज थे वहां पैसा लग रहा है, लेकिन उस्मान अगर लग रहा है
तो उस्मान बुज़दार को नैब ने ठेकों में घपले के ऊपर क्यों बुलाया, ऐसी अपना बेनामी जायदादों के ऊपर क्यों बुलाया, रिश्तेदारों की जायदादों के ऊपर क्यों बुलाया? क्या दो साल में इतनी करप्शन हो गई है कि नैब के पास से कोई कुछ ऐसा मवाद आ गया हो? क्यों जरूरत पड़ गई इमरान खान साहब को गवाही देने की कि जी नैब को बगैर सबूत के बुलाना नहीं चाहिए, उसको इंबैरेंस कर दिया? हैरान कौन बात है कि शबाज शरीफ इंबैरेंस नहीं, उसको नहीं किया गया, क्योंकि उसने इतना काम किया, उसको जितना मर्जी बुलाएं आप, रगेदें रगड़ें धक्के भी दें, पुलिस के सिपाहियों से मरवाएं उसको, हमजा शहबाज को 2-2.5 साल से अंदर रखें और साद रफीक के साथ अब ज्यादती करें, उस वक्त नहीं बोले आप, और वो चोर चोर हैं बगैर सबूत के, तो बताएं उस्मान बुज़दार साहब की गवाही आप देने के लिए क्यों आ गए? शमसी साहब, कोई भी दायरे में कोई एप्लीकेशन आती है उसका प्रोसेस है, ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाता है, डे बाय डे मज़ीद एप्लीकेशंस आ रही है। सर आप एप्लीकेशन आती है उसकी इंक्वायरी होगी, अगर तो किसी ने नहीं किया तो वो निकल जाता है, अगर किसी ने किया है तो वो भुगतेगा, ये बिल्कुल क्लियर है इस गवर्नमेंट का। ये तो आपने जिस तरह आगा साहब ने बात की, जिस तरह आप बात कर रहे थे, ये इस गवर्नमेंट का तो क्रेडिट है, कैसन इकबाल बोलता है तो उसको बुला लिया जाता है, मियां जावेद लतीफ बोलता है तो उसको बुला लिया जाता है, राणा अरशद बोलता है, सर ये परसेप्शन है, सर ये मेरे, सर लेट मी कंप्लीट, एक परसेप्शन है ना सर, आपने पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बना ली है कि अगर ये बोलता है तो इसको हम इस तरह टैकल करेंगे, इस तरह नहीं है। अच्छा, जिसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपका आर्टिकल 10 कहता है कि उसका राइट है कि वो अपना डिफेंस में वो बताए। आर्टिकल 10 है जो है फेयर ट्रायल की बात करता है। शमसी साहब एक बात यहाँ पे जरूर वाजे कर लें, क्योंकि एज स्टूडेंट ऑफ लॉ व्हाट एवर वी हैव टू डू, एक तो ये है द थिंग शुड बी डन ऑन मेरिट, ये बात नहीं हम कह सकते कि जो उनके खिलाफ जो जो एप्लीकेशन है, मैं और आप कोई उसको सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा, प्रोसेस है उसको, दूध का दूध। अच्छा एक मिनट आप बात कर लें, फिर मैं वहीद आलम खान साहब के पास नाजिम चुके मेहमान ने ग्रामी ने बात की है, तो वहीद आलम खान साहब का जुमला मैं ऐड करना चाहूंगा, एक प्लीज कर लें आप ताकि इख्तिताम किया जाए प्रोग्राम का। जी वहीद आलम खान साहब जी, मैं तो जैसी जो गुफ्तगू हुई है, हाँ क्योंकि इसमें मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का भी जिक्र हुआ है, तो वो सबके सामने है कि जिस तरह बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, नाहली है, किसी जगह पर इस हुकूमत ने जो कौम से और लोगों से वादे किए थे किसी वादे को इफा नहीं किया। बिल्कुल ठीक हो गया जी, यहाँ पे हम प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। नौमान राठौर साहब, जनाब मोहतरम आगा बाकर साहब, जनाब मोहतरम वहीद आलम खान साहब, आप सबका शुक्रिया, और यकीनन बात पहुंच गई आप तक, बात कर दी अमल की, तो आखिर में एक ही शेर पढ़ूंगा कि अमल जो करके दिखा दें तो वो रवायत हो, जबान से बात जो कह दें असूल हो जाए। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी, मेरे मेहमान ने ग्रामी, मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।